और गर्मियों में लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है स्किन की. स्किन के ऊपर कुछ की ऑयली होती है, कुछ की ड्राई होती है, कुछ की सेंसिटिव होती है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो तीनों स्किन्स को इफेक्ट कर सकता है वो है एक्नी का प्रॉब्लम. एक्नी ऑयली स्किन पे नॉर्मली कहते हैं कि ज़्यादा होती है, लेकिन ड्राई स्किन पे भी हो जाती है, सेंसिटिव स्किन के ऊपर भी एक्नी हो जाती है. तो एक्नी क्यों होती है और क्या इलाज है उसका, किस तरीके से उसको ख़त्म किया जा सकता है, इस पर बात होगी. हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. कैसा रहा पूरा एक महीना, आप तो आते रहे और लोगों को गाइड तो करते रहे, मैं वहां बैठ के भी देख रही होती थी कि अच्छा आप बैठे हुए हैं और चीजें बता रहे हैं. जितना हो सकता है गाइड, मेरे ख्याल में जो अवेयरनेस है ना वो, और इसीलिए ये जो ये जून का जो महीना है ये एक्नी अवेयरनेस मंथ है अमेरिका में. और ये जो मंथ जो है, ये अवेयरनेस जो आपने कहा पूरा महीना, तो वो हर महीने कोई ना कोई, हर हफ्ते कोई ना कोई अवेयरनेस होने से फायदा ये होता है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज बगैर किसी दवाई के और दवाई से पहले, अगर पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की अवेयरनेस ना होती, जिसमें बहुत सारे लोगों का, आपका बहुत ज़्यादा रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, डॉक्टर्स का रोल है, अगर ना होती तो आप यकीन माने कि इस वक्त हेपेटाइटिस पाकिस्तान से बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है, वो ना होता. आपको जो दवाइयाँ यहाँ पे मिल रही हैं, लोग सिर्फ ग्लूमी बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो बड़ी वो अच्छी जगह नहीं है और यहाँ पे पता नहीं बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. इस वक्त यहाँ पे जो हेपेटाइटिस की जो दवाइयाँ मिल रही हैं, जो कि 3 महीने की जो ट्रीटमेंट है, और वो मैं हालांकि लिवर का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वो अमेरिका में तकरीबन $1,00,000 का इलाज होता है, जो यहाँ पे चंद हज़ार रुपये में हो जाता है. तो और मैं किसी को कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन अच्छे काम भी पाकिस्तान में बहुत सारे होते हैं. तो अवेयरनेस जो है उससे हेपेटाइटिस जिस तरह कम हुआ है, तो हम चाहते हैं कि जिल्द की बीमारियां भी कुछ कम हो जाए. डॉक्टर साहब, ये जो हम बार बार प्रोग्राम करते हैं या जो बार बार एक ही चीज के ऊपर बात करते हैं, मुझे लगता है इट हिट्स यू एज अ रिमाइंडर. आपको बार बार याद रहता है कि अपने फायदे के लिए आपने क्या चीजें करनी है और क्या आप अपने फायदे का सोचकर कर रहे हैं, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है. और प्रिवेंशन जो है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है. बहुत सारी चीजें, और फिर उस चीज का ये भी पता होना जरूरी है कि उसका इलाज कैसे करवाना है. हाँ. जो कि करवाना तो आप ही नहीं और करना डॉक्टर ने है, लेकिन कहाँ पे जाना है, क्या उसकी तदाबीर होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हैं दवाइयों के लिए, और कौन सी बीमारी जो है मिस हो सकती है जो आप खुद से डायग्नोज करने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो डॉक्टर है वो बेहतर अंदाज में समझते भी हैं और देखते भी हैं. सो डॉक्टर साहब, एक्नी सबसे पहले बहुत से लोगों को लगता है एक्नी मीन्स आम दाने, क्या इसमें फर्क है, क्या आम दानों को ही एक्नी कहते हैं या एक्नी क्या जी है? ठीक, देखिए जी, दो तरह के दाने हैं. एक तो ये जो एक्नी है वो दाने हैं जो आपके फेस पे निकलते हैं, आमतौर पे फेस पे, पूरे फेस पे भी निकल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दरमियान के फेस में ज्यादा निकलते हैं, लेकिन फेस पे कहीं पर भी निकल सकते हैं. कुछ लोगों की चेस्ट में भी होते हैं और बैक में भी होते हैं. अब ये वो जगह हैं जिस्म में जहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड्स, अल्लाह मियां ने करोड़ों ऐसे छोटे 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 गदूद लगाए बनाए हुए हैं जिल्द के अंदर, जो कि जिल्द में से एक ऑयल निकालते हैं जिसको हम सेबेशियस सेक्रीशन या सीबम बोलते हैं. तो जब आप सुबह सो के उठते हैं और आप देखें कि आपके नाक के इर्द गिर्द और माथे पे जो जिसको हम टी जोन बोलती हैं खवातीन खासतौर पर, कि वहाँ पर बहुत ऑयल आ गया, वो इसलिए आता है कि वहाँ पर इन ऑयल ग्लैंड की तादाद भी ज्यादा होती है और वहाँ एक्टिविटी भी ज्यादा होती है. और इसी तरह पूरे फेस पे, नेक पे, खासतौर पे चेस्ट पे और बैक पे, वी जोन में जो है, वी जोन समझ लें यहाँ पे दरमियान में, वहां पे भी लोगों को निकलते हैं. बैक पे तो पूरे बैक पे भी निकलने लग जाते हैं एक्नी. तो ये इसको तो हम कहते हैं एक्नी वल्गैरिस. वल्गैरिस मीन्स कॉमन, यानी ये कॉमन एक्नी है. ये आमतौर पे तो निकल जो अब आपने ये निकलता है एडोलेसेंट्स में, यानी जब बलूगत में पहुंचते हैं बच्चे उस वक्त ज्यादा निकलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बचपन में भी थोड़ा सा हो सकता है, इवन चंद माह के बच्चे को भी हो सकता है, चूंकि वो माँ के से जो उसको हार्मोन्स उसके ब्लड में गए थे उसको थोड़े दिन लगते हैं दोबारा उसमें बच्चे की ब्लड में से निकलते हुए. तो इवन चंद दिनों के बच्चों को भी हो सकता है ये एक्नी, लेकिन उसका डायग्नोज होना जरूरी है. कुछ और दाने जो आपको निकलते हैं काफ़ी दफ़ा खवातीन में, वैक्सिंग के बाद कुछ निकल आते हैं, कुछ लोगों को आर्म पिट्स में या ग्रोइन में दाने निकलते हैं, कुछ लोगों को टांगों पर खासतौर पर दाने निकलते हैं. ये जब अभी बरसात का मौसम आएगा तो उस वक्त लोगों के काफ़ी फोड़े फिंसियां निकल, एक्चुअली तो वो उसको भी हम दाने ही कहते हैं आम जुबान में, लेकिन वो एक्नी नहीं है, वो फोलिकुलाइटिस है, उसका इलाज भी मुख्तलिफ है. कुछ उन लोगों को जिनको के एक्नी की ज्यादा प्रोपेंसिटी होती है या एक्नी ज्यादा प्रोन होते हैं पेशेंट्स, उनमें एक्नी की तरह की चीजें आर्म पिट में और ग्राइंड में भी निकल सकती हैं, जिसको हिडर एडेनाइटिस सुपरटिवा एक बीमारी है
जिसके के दाने बनने और पस निकलने ख़त्म ही नहीं होती और वो काफ़ी मुश्किल से ट्रीट होने वाली बीमारी है, लेकिन वो भी उससे मिलती जुलती, तो एक्नी और एक्नी से मिलती जुलती कुछ बीमारियाँ हैं जिसको हम एक्नीफॉर्म इरप्शन भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, सबसे ज्यादा बॉदरेशन लोगों को होती है जब आपके मुंह पर एक्नी निकले, खासतौर पर फेस आपका जो लोगों का भरा हुआ होता है, वो क्यों होता है, किस एज में शुरू होता है, क्या वजह है? एक्नी वल्गैरिस, एक तो ये कि कॉमन एक्नी, उसमें जो थ्योरी ये है कि जो सोचा जाता है कि शायद इसमें इन पेशेंट्स के ऑयल ग्लैंड्स जो हैं या तो हाइपर एक्टिव हैं, वो ज़्यादा ऑयल बना रहे हैं, या ऑयल की एक्सक्रीशन जो है, यानी ऑयल की कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो गई, और उसको अगर हम आम जुबान में बोलें तो वो ये कि क्या ऑयल थिक हो गया जो कि निकल नहीं सकता आपके पोर्स से। तो जब हम कहते हैं कि जी पोर्स को क्लीनिंग करने से काफ़ी दफ़ा एक्नी कम होते हैं, तो किसी हद तक ये ठीक भी है कि पोर्स अगर वहाँ से ब्लॉक हो जाएं तो शायद, लेकिन वो पोर्स को खोलने के जो तरीके हम अपनाते हैं ब्यूटी पार्लर पे जाकर, कुछ वो तरीके ठीक नहीं है। वो दवाइयों से पोर्स खुल सकते हैं, वो आमतौर पर स्क्रब से थोड़ा बहुत तो खुल सकता है, लेकिन काफ़ी दफ़ा स्क्रब से जो स्वेलिंग हो जाती है जल्द की, वो उस पोर्स को बंद भी कर सकती है। तो निकलते हैं ये जो एक्नी, जो कॉमन एक्नी है या एक्नी वल्गैरिस जिसको, ये आम तौर पे तो सने बलूगत में, यानी जब एडोलेसेंट एज में 17-18 साल की उम्र में निकलने शुरू होते हैं, कुछ बच्चों को 11-12 साल की उम्र में भी निकलना शुरू हो जाते हैं, उनका इलाज उसी वक्त होना चाहिए, और वो फिर 30s तक आम तौर पे, यानी 20s and 30s आर द मोस्ट कॉमन एजेस इसका। लेकिन ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि 30s में ख़त्म ज़रूर हो जाएं दाने, कुछ लोगों को 30-40-50 साल की उम्र में भी दाने चल सकते हैं, लेकिन वो कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम, यानी 90% अगर 20s में 30s में उन्होंने निकलने हैं, या 18-20s में 15 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र में अगर ज्यादा लोगों निकलेंगे, कुछ को उससे बाद भी निकल सकते हैं, पहले भी निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल टीन एज में अगर निकल आए या 20s में निकल आए, तो लोग कहते हैं कि ये तो निकलते ही हैं, खुद ही ठीक हो जाएंगे, क्या जरूरी है इलाज करना? ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेशेंट्स के लिए, आवाम के लिए समझना कि ये दानों को एक ये ना समझा जाए कि जी बस ये दाने होते हैं और ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वजह यह है कि वो दाने निशान छोड़ेंगे। दाने होना एक बीमारी है, और हर एक को बीमारी नहीं होती, हर एक को नहीं होती, जरूरी नहीं है कि हर एक को बहुत सारे लोग नहीं होती, उनको सारी सारी उम्र नहीं होती, और उसका इलाज जरूरी है, क्योंकि वजह यह है कि जितने दाने निकल लेंगे उतने ही निशान पड़ेंगे। पेशेंट्स मेरे से आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब एक दाना तो मेरा दिन में निकलता है तो इससे क्या निशान पड़ेंगे? अगर एक दाना दिन का निकला है तो 365 डेज है ईयर में, तो इसका मतलब 365 दाने आपके चेहरे पर निकलेंगे एक साल में, और अगर आप 365 निशान आप जिल्द पर लगा के देखें किसी मार्कर से, तो आपको पता चलेगा पूरा भरा हुआ लगता है चेहरा। तो एक दाना भी अगर निकले, फर्ज करें लोग कहते हैं एक दाना मेरे, तो डॉक्टर साहब एक दाना निकलता है पूरे हफ्ते में तो इतने निशान कैसे पड़ गए? वो एक दाना भी अगर निकलता है आपका एक हफ्ते में, तो आप उसके हफ्तों के सालों में दिन लगा लें, तो सालों में जो हफ्ते बनेंगे उतने हफ्ते में इसका मतलब उतने दाने आपके 50-60 दाने, तो 50-60 निशान मुंह पे पड़ेंगे। प्रॉब्लम ये है कि दाने अगर तो निकलें और निशान ना छोड़ें तो हमें शायद परेशानी का इतना सामना ना हो। कुछ लोगों के निशान पड़ते हैं, सिर्फ पिगमेंटेशन हो जाती है, और पिगमेंटेशन चंद दिनों में चले जाती है, और दैट्स फाइन, नॉट अ बिग डील। अगर वो पिगमेंटेशन काफी अरसे में चाहे, यानी अगर कुछ लोगों के निशान पड़ते हैं और पिगमेंटेशन जाते जाते 2-2-3-3 महीने लग जाते हैं, इसका मतलब है वो फिर उस दाने को होने से बचाना चाहिए। और दूसरी बात है, कुछ लोगों के गड़े पड़ जाते हैं, यानी जहां पे निशान पड़ा वो ना सिर्फ ब्लैक हुआ या ब्राउन हुआ, बल्कि वहां पे खड़ा पड़ गया, ये गड़ा पड़ गया। अब वो जो गड़े पड़े हुए हैं पूरे फेस, ऐसा लगता है स्किन खाई हुई है, स्किन खाई हुई है, ये उसमें आपने देखा होगा चिकन, जैसे चिकन पॉक्स के मार्क्स होते हैं, उनको ठीक करना फिर लेजर से ठीक होता है, और चीजें उसके लिए की जा सकती है। तो उसके लिए टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारी है, लेकिन जो जरूरत इस अमर की है कि हमारी अवेयरनेस का ज्यादा मकसद ये है कि दानों को शुरू से ही ठीक किया जाए और खुद से दवाइयां ना की जाए, और ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है, ये 100% ट्रीटेबल कंडीशन है। मजे की बात ये है कि जिसको लोग समझते हैं कि जी मैंने जितनी दवाइयों पे लोग पैसे ओवर द काउंटर या जो आम क्रीमों पे गोरा करने वाली दाने वाली जो 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 के मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं है, जितने पैसे उस पर खर्चता है एक आम शख्स जी, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज दुनिया में हो चुकी है कि उससे 10 गुना कम पैसों में इसका एक्चुअली मुस्तकिल इलाज हो सकता है। लेकिन लोग चूंकि एक तो वो उनको खतरा होता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे पता नहीं क्यों बीमारी ना बता दे, कोई दवाइयां ना दे दे, तो दवाइयां आप खाएं, लेकिन अगर 2-4 महीने की दवाइयों से आपके एक्ने मुस्तकिल ठीक हो सकते हैं तो व्हाई नॉट। बिल्कुल सही, और व्हाई नॉट, उस आपकी स्किन जो है वो उससे बच सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इलाज इसका महंगा है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि शायद इसका इलाज बहुत महंगा है, या ओवर द हमें बजट जाना पड़ेगा। यही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दवाइयाँ जो हैं उनमें कुछ दवाएँ ऐसी शामिल हैं जो लगाने वाली क्रीमों की सूरत में हैं और बड़ी चीप हैं,
دیکھیں ایک ہی دوائی کے مختلف برانڈز بھی آتے ہیں اور اس کے مختلف نعم البدل بھی ہیں کہ اگر وہ دوائی اگر ایک دوائی بہت اگر ایک اینٹی بائیوٹک بہت مہنگی ہے تو ایک چیپ اینٹی بائیوٹک سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے اچھے ڈاکٹر کا بیسک میرے خیال میں جو ٹریننگ وہ یہی ہے کہ کیا وہ پیشنٹ کے بجٹ میں رہتے ہوئے اس کا علاج کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا چونکہ بہت دفعہ اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور بہت دفعہ پیشنٹ میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں تو ایک تنخواہ دار بندہ ہوں میں اتنا ہی ان کو جب بتاتے ہیں ہم کہ وہ کہتے ہیں جی اتنے اس سے زیادہ تو ہم ویسے کریمز استعمال کرتے ہیں سیلف میڈیکیشن میں ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں بالکل اور اس کا بہت آسان علاج ہے بالکل صحیح ایک میتھ ہے میٹھا کھانے سے آئلی چیزیں کھانے سے فاسٹ فوڈ کھانے سے زیادہ تیل والی چیزیں کھانے سے ایکنی نکل آتی ہے یہ سچ ہے یا نہیں ہے اس پر ضرور بات کریں گے اور کچھ مزید باتیں اور کچھ مزید پوائنٹس بھی ڈسکس کریں گے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا آپ لاہور میں کہیں بھی رہتے ہیں آپ کا کوئی بھی جائز مسئلہ ہے تو بولو لاہور ہمارے ساتھ ہوتی ہیں شہر کی با اختیار شخصیات جن کے پاس ہوں گے آپ کے مسائل کے حل بات اپنے حق کی خاطر سب کے حق کی خاطر بولو لاہور شہر کی سب باتیں صرف سٹی 42 پر دیکھیے پروگرام بولو لاہور پیر اور منگل کی شام 6:05 پہ صرف سٹی 42 پر سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں ہر واقعہ ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی دفتری معاملات میں گڑبڑ کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتا دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 03175424242 تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص اور بن جائیے سٹی رپورٹر لاتا ہے اپنے ساتھ نئی کہانیاں اور شہر کی سب باتیں ہم کرتے ہیں شیئر آپ کے ساتھ شہر لاہور کی ٹاپ سٹوریز شہر بھر میں ہونے والے رنگا رنگ ایونٹس لیٹسٹ موویز پر ایک نظر بچت بازار آج کے بھاؤ اور آپ کی پسندیدہ شخصیات سے بھرپور ملاقات دیکھیے پروگرام سٹی ایٹ 10 پیر سے ہفتہ صبح 10:05 پر صرف سٹی 42 پر شہر میں اچھا برا ہم سب دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو براہ راست بھی اور دیگر نشریات بھی ویلکم بیک ناظرین گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر عظیم جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ کچھ ہم میتھس پہ ڈسکس کر لیں جیسے میٹھا زیادہ تیل والا یا فاسٹ فوڈ کھانے سے ایکنی ہو جاتا ہے از اٹ ٹرو دیکھیں یہ 100% تو ٹرو نہیں ہے لیکن پارٹلی ٹرو ہے یعنی آپ سمجھیں کہ اگر 90 میں سے اگر 100 میں سے میں حساب لگاؤں تو آپ اندازن سمجھ لیں 10% لوگوں کو اس سے کچھ نقصان ہوتا ہوگا باقی 90% پیشنٹس کو فوڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا 10% مریض آپ کہہ لیں ایوریج جو ہیں وہ ہیں جن کو فوڈ سے فرق پڑتا ہے اور اس کا ایک سمپل دیکھنے کا طریقہ یہ کہ آج اگر آپ نے کوئی فوڈ لی ہے یا اور آپ کو کل دانا نکل آیا ود ان فیو آورز دانا نکلا یا فیو ڈیز دانا نکلا اور ضرور نکلتا ہے جب بھی آپ وہ ریپیٹ کرتے ہیں فوڈ تو اس فوڈ سے آپ پرہیز کریں کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ یہ ڈیری پروڈکٹس جو ہیں ان کو دودھ سے اب یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ زیادہ ہمارا
ख्याल होता है कि हम खाने से हर चीज़ होती है, बड़े हम कल्नरी ओरिएंटेड सोसाइटी हैं इंटरेस्टिंगली, तो यहाँ पे हमें लग यहाँ पे लोग समझते हैं गर्म सर्द की कोई चक्कर है कि कोई गर्मी वाली चीज़ लगा, और यहाँ समझते हैं कि अगर आपने दूध पिया तो शायद दाने ठीक हो जाने चाहिए। हालांकि जो स्टडीज़ हैं वो इसके बरक्स हैं, स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं कि शायद अगर कुछ लोगों का ताल्लुक है भी फूड से तो वो उनका है जो कि ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ अब स्टडीज़ आई हैं जिसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स जिसको बोलते हैं कि जो ज़्यादा हाई शुगर वाली जो गिज़ाएँ खाते हैं लोग उनमें भी दाने निकल सकते हैं। इसकी नस्बत ये ज़्यादा जो एसोसिएशन आप समझेंगे कि कुछ लोगों में स्ट्रेस में दाने, तो स्ट्रेस जो है वो एक्नी जो कॉज करता है वो डायरेक्ट तो नहीं करता, लेकिन वो हार्मोन्स जो कि एक्नी बनाने में मदद करते हैं या एक्नी बनाते हैं, वो हार्मोन्स आपके स्ट्रेस में ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अब जो हम जो आमतौर पर एक्नी वल्गैरिस की बात कर रहे होते हैं, हम 90% वही बात कर रहे होते हैं जो कि 90% लोगों में होती है, चूंकि ज़्यादा कॉमन है इसलिए हम समझते हैं। लेकिन इसके अलावा एक्नी जो है, एक्नी जो इसको पोमेड एक्नी बोलते हैं, ये जो आपके खासतौर पर आपके टीवी एंकर्स में और ऐसे लोग जो ज़्यादा मेकअप करते हैं उनमें होती है, चूँकि वो एक्नी होती ही मेकअप से है। अच्छा, अगरचे मेकअप हम कभी लोगों को मना नहीं करते करने से और मेकअप के बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होते, लेकिन जिसमें होते हैं उसमें उनको बचना चाहिए। तो एक्नी की एक किस्म को तो हम ज्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन एक्नी की जो कम कॉमन किस्में हैं, कुछ लोगों को जब ऑयल के बहुत छोटे छोटे जर्रात जो कि हवा में मुअल्लक हो जाते हैं, जिस तरह लोग ये जो खरादिया जो करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं किसी किस्म की, जिसमें कि ऑयल के छोटे छोटे मुअल्लक हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स जो हैं और नज़र तो नहीं आते लेकिन वो उसको बंद कर देते हैं। कुछ लोग ऐसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारा ऑयल जो है हवा में, जिस तरह आपने ये देखा होगा कि अगर कभी आपका जो किचन का जो एग्जॉस्ट है उस पर अगर आप देखें तो कितना ऑयल चिपका होता है, इसका मतलब है वो ऑयल जो है वो वहां से किसी तरह उड़ के तो गया। तो उस ऑयल को अगर कुछ लोग कहते हैं जी कि जब मैं खाना पकाती हूँ तो उन दिनों में जो निकलते हैं एक्नी, तो मैं मजाक में तो कहता हूँ कि आप फिर कुक रख लें, लेकिन वो हकीकत ये है कि वो उससे भी हो सकते हैं। कुछ लोगों कुछ दवाइयों से होते हैं, मीथोट्रेक्साइड एक दवाई है, कुछ ऐसी दवाइयां जो कि दाने बनाने में काम करती हैं, उससे दाने बनते हैं। लिथियम एक दवाई है, हाँ जी बिल्कुल, उससे दाने बनते हैं। कुछ लोग एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं लेकिन दाने बनते हैं। कुछ लोगों की और कुछ दवाइयां हैं उससे दाने बनते हैं। कुछ लोगों को अगर जहाँ पे हेलमेट पहनते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हेलमेट का जहाँ प्रेशर आता है वहां पे दाने बनते हैं। तो दाने बनने का बड़ा जरूरी है कि पहले उसकी तशखीस कर लें कि दाने बन क्यों रहे हैं। अगर किसी ऐसी दवाई से दाने बने उसको दवाई को छोड़ देना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि स्टमक में गर्मी हो गई है, मेदा खराब है, तेजाबियत है, तो मुंह पे दाने निकल आए, ये भी इज इट ट्रू? देखें, इसका अभी तक तो कोई जवाब सामने नहीं आता, लेकिन डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट हो सकता है कि वही वाली बात के जिनको एलर्जी या फर्क दूध से एलर्जी भी है, जिसको हम लैक्टोज इनटॉलरेंस बोलते हैं, वो भी हो सकती है और दूध दाने भी बनाता है। तो इसका मतलब है कि अगर वो पेशेंट कहता है, इसलिए हिस्ट्री प्रॉपर लेना और प्रॉपर तशखीस होना कि दाने जो बन रहे हैं ये क्या आम दाने ही हैं या इनकी कोई और वजह है, क्योंकि अगर कोई और वजह है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए बजाय इसके कि हम उसको दवाइयों से इलाज करें। तो काफ़ी दफ़ा मैं जिस तरह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखता हूँ कि काफ़ी दफ़ा अच्छा डॉक्टर दवाइयाँ सिर्फ देता नहीं है, काफ़ी दफ़ा दवाइयाँ छुड़वाता भी है, कुछ कि कुछ दवाइयों के छोड़ने से पेशेंट्स बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका साइड इफेक्ट हो रहा होता है जो कि काफी दफा नजरअंदाज हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एंटीबायोटिक्स जो दी जाती हैं वो अक्सर ये भी कहते हैं स्किन पे उल्टा असर कर देती हैं, ड्राई कर देती हैं स्किन। देखें, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दानों का इलाज नहीं है, ये बड़ा एक ये भी, चूंकि अगर हमारी वो प्रिस्क्रिप्शन कोई पेशेंट पढ़े तो उसको लगेगा तो यही कि जी डॉक्टर साहब ने फलां एंटीबायोटिक दी और ये तो दानों के इलाज के लिए देते हैं। एंटीबायोटिक एज सच सिर्फ एक इलाज नहीं है और सारी एंटीबायोटिक्स ही दानों का इलाज नहीं है। तो पेशेंट काफ़ी दफ़ा ये और मेडिकल स्टोर वाले भी हमारे माशाल्लाह जो हजरात हैं वो भी काफ़ी दफ़ा आधी डॉक्टरी वो भी कर लेते हैं, वो देखते हैं जी डॉक्टर साहब ने एक एंटीबायोटिक दी ये नहीं तो कोई दूसरी दे देते हैं, दूसरी तीसरे। इन तमाम एंटीबायोटिक्स में से चंद वो एंटीबायोटिक्स हैं जो हम देते तो हैं बिकॉज वो एंटीबायोटिक के नाम से मशहूर हो गई दवाइयाँ, लेकिन उनका रोल एज एन एंटीबायोटिक नहीं रहा दुनिया में। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन है वो आजकल एंटीबायोटिक के तौर पे नहीं सिर्फ यूज करते, उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिश को कमी करती है। अच्छा, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम लॉन्ग टर्म देते हैं जोड़ों के इलाज के लिए, अब वो कोई समझे तो एंटीबायोटिक नहीं रहती वो उसका और मोड ऑफ एक्शन उसका और है, उसका कोई और ताल्लुक था। तो इसलिए एंटीबायोटिक को अब लोग काफी दफा बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कोई एंटीबायोटिक जो है
वो खा रहे होते हैं और खुद से खा रहे होते हैं, जिससे उनके सारे के सारे जो वो अच्छे जरासीम जो आपके अंतड़ियों में अच्छा काम करते हैं वो भी मर जाते हैं, उनको डायरिया हो जाता है पेशेंट्स को और पेशेंट्स लेना बंद कर देते हैं। कुछ लोगों को एंटीबायोटिक सूट नहीं करती कि जी स्टमक को इरिटेट करती है, उसके और तरीका है, आप उसके साथ कोई और दवाई दे सकते हैं या कुछ दवाइयां ऐसी आती हैं जो कि पेट में जाके आपके खुलती ही नहीं है, यानी वो छोटे छोटे माइक्रोग्लोब्यूल्स में होती हैं, वो जाके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती हैं, वो स्टमक को बाईपास कर जाती हैं बगैर छेड़े हुए, तो उससे स्टमक में इरिटेशन नहीं होती, तो वो वाली दवाइयां इस्तेमाल की जा सकती हैं। और आम एंटीबायोटिक प्लीज मत लें, चूंकि वो उससे आपके दानों को नुकसान होगा, आम एंटीबायोटिक इतने लॉन्ग टर्म लेना नुकसानदेह हो सकती है। बिल्कुल सही, वो आपके लिए कोई फायदा नहीं पहुंचाती। अच्छा, एक मेडिसिन है जो बहुत से लोग एक्नी के लिए इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर्स भी दे देते हैं या पेशेंट्स खुद भी, एक दफा दे दी तो फिर वो चल, पता है ना आपको, एक चेंज चल जाती है, मेरे इससे ठीक हो गए थे, तुम भी लगा लो, तुम भी लगा लो, वो पूरी एक चेंज चल जाती है। ट्रेटिनम, ये मेडिसिन जी, वो आपने अच्छा किया, ये आपने, और ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था लेकिन पूछना शायद आपने अच्छा किया पूछ लिया, चूंकि वजह ये है कि ये काफी दफा आगे जो चेंज चल जाती है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, कि चेन में नुकसान ये होता है कि एक पेशेंट को हमने दी, पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं थी, उनको कोई और भी मसला नहीं था, उनका जिगर भी ठीक था, उनका किडनी भी ठीक था, और आपने उनको कोई दवाई दी डॉक्टर होते हुए, सिर्फ मैं सिर्फ एक्ने की बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ। इसमें अक्सर लोग कहे जी मेरी सर की दर्द फलान दवाई से ठीक होती, तुम भी खा लो, मेरे पेट की दर्द फलान दवाई से ठीक होती, तुम भी खा लो, उसमें नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि वो वाली दवाई आपको दी आपकी हिस्ट्री लेके आपकी वजह से, अब दूसरे पेशेंट को मुमकिन है वो उसी चूज में ना हो। आइसोट्रेटिनोइन का भी यही नुकसान है, आइसोट्रेटिनोइन के लेबल पे गवर्नमेंट ने लिख दिया, कंपनियों ने लिख दिया कि भाई ये दवा प्रेग्नेंट खवातीन को नहीं खानी, अगर कोई प्रेग्नेंट खातून खा ले तो बच्चे में मुस्तकिल, जो पेट में माँ के बच्चा है उसके मुस्तकिल खराबियां आ सकती हैं, उसके उसको यानी जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ग्रोथ इश्यूज, अब उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं बेचारी, गवर्नमेंट क्या करे, कंपनीज क्या करें, डॉक्टर क्या करें, अब पेशेंट वही जाके दवा मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं। काफी सारे मेडिकल स्टोर वाले भी बेचारे बड़ी कोशिश करते हैं भाई प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ, अब प्रिस्क्रिप्शन अगर किसी और की आप जाके दिखाते हैं तो वो आपका क्या आईडी कार्ड चेक करेंगे? देखें, दुनिया में कुछ खुद भी रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए, मेरे ख्याल में हम जब कहते हैं ना ये गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, फलाने ये नहीं किया, सबसे ज्यादा सिस्टम पे ना डालें, प्लीज फॉर गॉड सेक अपने आप को पहले देखें कि भाई आपने डॉक्टर को दिखाए बगैर खुद से आप दवाई लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बड़े बड़े हमने डिजास्टर्स देखते हैं। अब तो अमेरिका में भी हम तो यहाँ पर भी कंसेंट साइन कराते हैं पेशेंट से कि भी ये देखें ये चीजें लिखी हुई आप इस पे साइन करेंगे आप इस तरह करेंगे, फिर भी अगर कोई उसमें ये है कि आइसोट्रेटिनोइन इज अ वंडरफुल ड्रग, बड़ी अच्छी दवाई है, ये लगाने वाली दवाइयों की सूरत में भी आती है और खाने वाली की, मैं पर्सनली तो मैं अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंट हो तो मैं ये लगाने वाली की सूरत में भी नहीं देता आमतौर पर, खाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, और उसके लिए ये है कि जो है दवाइयाँ बहुत सारी ऐसी जो कि प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं वो प्रेगनेंस का खवातीन को भी दी जा सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में भी दी जा सकती हैं, और कुछ ऐसी दवाइयाँ जो नहीं देनी चाहिए, तो इसलिए अपनी दवाई का ताल्लुक अपने तक रखें, अपने तक और रखें, आगे मुंतकिल ना करें। बिल्कुल सही। अच्छा, एक्नी का जो इलाज है वो क्या सिर्फ खाने वाली दवाइयों से ही ठीक होता है या उसके लिए मेडिसिन लगानी भी पड़ती है? बिल्कुल लगाने वाली, देखें ज्यादातर मैंने आपसे कहा कि अगर एक्नी बहुत माइल्ड है तो खाने वाली दवाई की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, जिसका मैंने कहा ना कि बिला वजह एंटीबायोटिक्स ना लें, क्योंकि अगर कोई माइल्ड सा एक्नी है वो लगाने वाली दवाइयों से ठीक हो जाता है, लेकिन लगाने वाली दवाइयों में भी कुछ ऐसी दवाइयां कि अगर आप उसको एक खास कॉम्बिनेशन के बगैर लगाते हैं तो वो जरासीम जो कि एक्नी में उगते हैं या एक्नी में इन्वॉल्व हैं जिसको पी एक्नीज बोलते हैं, वो उससे रेजिस्टेंट हो सकता है वो जरासीम, तो अगर आपने फर्ज करें एक दवाई लगाई और उसने कुछ अरसे आपने लगाई और उससे रेजिस्टेंस हो गई तो फिर एक्नी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो एक्नी के लिए, और काफी दफा हमें दवाइयों की बजाय अगर फर्ज करें एक पेशेंट है जिसको कोई भी दवाई सूट नहीं करती, ना लगाने वाली सूट करती है उसकी, ना खाने वाली, उसके लिए लेजर हो सकता है। हाँ। एक लेजर है जो कि 1550 एंड 1540 या 1530 नैनोमीटर लेजर एक है जो कि नैनोमीटर होते हैं कि उसकी वेव लेंथ कितनी है लेजर की, उसको हम उस लेजर से पेशेंट को स्मूथ बीम लेजर उसको बोलते हैं, वो इजाद भी हुई और उसका लोगों ने शायद उतना फायदा नहीं उठाया, काफी दफा होती है कि उसका उसने हाइप क्रिएट नहीं कर सकी वो लेजर, लेकिन वो अब लोग रिजुविनेशन के लिए पूरी दुनिया में ज्यादा करवाते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका ज्यादा असर आपके उन ग्लैंड्स पे था जो कि ज्यादा हाइपर एक्टिव है। अच्छा। तो वो लेजर क्या करती है, बेसिकली उन ग्लैंड्स को थोड़ा सा सुकेड़ देती है,
तो वो खुद बखुद वो खुद ग्लैंड बंद हो जाते हैं और फिर तो और उसमें रुतुबत बननी कम हो जाती है और उनको थोड़ा सा काम डाउन कर देती है। उससे ऑयलीनेस के लिए भी बड़ी मुफीद है वो, लेकिन उसके लिए यानी कि हर तरह का तरीका इलाज मौजूद है, बशर्ते ये कि आप डॉक्टर पे जाएं, अपनी हिस्ट्री के मुताबिक वो तमाम इलाज भी कराएं और मेडिसिन भी लें। वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, हमेशा की तरह एक अंबार जो है वो इन्फॉर्मेशन का हमने लोगों तक पहुंचाया और फिर वही बात है कि आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप अपना ख्याल किस तरीके से रखते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक